क्या आप कभी टाइम पैराडॉक्स में फंसे हो? और फंसे हो तो क्या होगा, और उससे बाहर निकलना मुमकिन है या नहीं? आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग होगी, तो पूरा देखना। हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस फैक्ट्स। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं टाइम पैराडॉक्स क्या होता है इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो आप में से कई लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसे देखने के बाद आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी हेल्प होगी। वीडियो ऊपर आई बटन पर है, तो उस पर क्लिक करें और देखिए। टाइम पैराडॉक्स बताने से पहले ये जानिए कि टाइम ट्रैवल क्या होता है। सबको पता होगा पर फिर भी मैं बता देता हूँ। टाइम ट्रैवल मतलब हम पास्ट में या फ्यूचर में जा सकते हैं और हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जी हाँ, आप में से कई लोगों को लग रहा होगा क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि जब हम पास्ट को चेंज करने जाएंगे तो वो प्रेजेंट से कनेक्ट होगा। मतलब आप चेंज नहीं कर रहे होगे बल्कि आप उसका हिस्सा बन रहे होगे। मतलब मैं आपको एक इजी स्टेप में समझाता हूँ। आपके दोस्त का एक कार एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। अब आप कई सालों के बाद टाइम ट्रैवल करके पीछे जाते हैं उसे बचाने के लिए। आप पास्ट में गए, गाड़ी निकाली और उसे बचाने के लिए उस लोकेशन पर जा रहे होंगे। तब आप स्पीड में जा रहे होंगे क्योंकि उसकी डेथ से पहले पहुँचना होगा इसलिए। पर यही चलते उस स्पीड में जाते समय आप एक आदमी को उड़ा दिया। बाद में देखने के बाद समझा कि वो आदमी कोई नहीं, आपका दोस्त ही था। मतलब आप उसका हिस्सा बन गए। मतलब टाइम ट्रैवल से कभी भी पास्ट या फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते। अब आप समझे टाइम ट्रैवल क्या होता है। अब हम बात करते हैं टाइम पैराडॉक्स की। अब टाइम पैराडॉक्स के भी चार टाइप है, कॉजियल लूप, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, फर्मी पैराडॉक्स, न्यूकॉम पैराडॉक्स। हम सिर्फ टाइम पैराडॉक्स लूप होल की बात करेंगे। पहले तो टाइम पैराडॉक्स और लूप होल सेम ही है। हमारी लाइफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलती है, मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बट जो लूप होल टाइम पैराडॉक्स रहता है वो एक इन्फिनाइट नहीं तो सर्कल जैसा रहता है, जिसका कोई एंड नहीं रहता और ना कोई स्टार्ट रहता है। मतलब ये एक इन्फिनाइट टाइम के लिए रहता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक आदमी रात को नशे में गाड़ी चला रहा है और उसने एक आदमी को जोर से उड़ा दिया। वो घबराहट के कारण उसे हॉस्पिटल ना लेकर जाके कोई सबूत ना छूटे इसलिए उसका सामान लेकर जाता है। पॉइंट नोट करना, जब वो घर जाता है तब उसे उसके बैग में एक टाइम मशीन दिखती है। तब वो आदमी सोचता है कि इसका इस्तेमाल करके उसे बचाया जा सकता है। वो उसका इस्तेमाल करके पास्ट में उसे बचाने के लिए जाते हैं, पर जब उस लोकेशन पर जाते ही उसे एक कार उड़ा देती है। ये कार से उड़ाने वाला कोई और नहीं, वही था। मतलब उड़ाने वाला भी वही था और मरने वाला भी वही था। मतलब ये एक लूप होले जिसमें अब वो आदमी फंस गया है। सोचे तो ये कई बार भी हुआ होगा, इससे पहले भी हुआ होगा, इन्फिनाइट बार हुआ होगा। मतलब वो एक लूप होल में फंस गया है, अब उसका एंड कभी नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि हम पास्ट में थोड़ा पहले जाकर उसे गाड़ी चलाने नहीं देंगे, बट जब उसने उस आदमी को उड़ाया होगा तब उसे ये पता नहीं होगा कि उसने खुद को उड़ाया है, तब पहले जा ही नहीं सकते। उस वक्त वो आदमी एक ही बात सोचता होगा कि पास्ट में जाओ और उसे बचा लो। अब हम बात करते हैं कि लूप होल को तोड़ा जा सकता है या नहीं। इसके सिर्फ दो कंक्लूजन आते हैं। पहला, जब इस सिचुएशन में एक अलग तीसरा पर्सन आकर इस लूप को तोड़े, और दूसरा, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक लूप को तोड़ना ही इम्पॉसिबल है। जो तोड़ना चाहेगा वो लूप होल का हिस्सा हो जाएगा। लूप होल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होकर टूट सकता है। जब तीसरा पर्सन लूप तोड़ने में मदद करे
पर वो लूप का हिस्सा ना बने, तब लूप टूट सकता है, बट 99.9% लूप कभी टूट नहीं सकता। बस इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ कई लोगों को अब समझा होगा कि टाइम पैराडॉक्स और लूप होल क्या होता है, फिर भी नहीं समझा होगा तो ट्राई करते रहो, समझ में आ जाएगा। वीडियो ज़्यादा ही लंबी नहीं खींचना चाहता मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी, और कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपको ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट्स और वीडियोस जानना है तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो यार। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ऐसे ही नए नए मिस्टीरियस फैक्ट्स और नए नए वीडियोस लाते रहूँगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि आप हमारी हर वीडियो पहले आपको मिलती रहे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।